नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टॉक 62 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड 0.48% का आज इसने डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो वह है 43,876 करोड़ की। इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 86.5%, करंट ये 62 पे है, बुक वैल्यू है इसकी 23.5 एंड अच्छा खासा डिविडेंड देता है, डिविडेंड यील्ड है इसकी 2.10%, फेस वैल्यू 10 है एंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एक बैंक है। अभी इसके वैसे मैं फंडामेंटल वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो जो होगी वो फंडामेंटल की वीडियो रहेगी इसकी, ठीक है। उसमें फंडामेंटल सारी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अभी मोटा मोटा बता देती हूँ कि स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पीई इसकी बिल्कुल मीडियम के पास है, पहले माइनस में थी अभी मीडियम के पास है, तो ये एक अच्छी बात है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड कितना नीट है ये, इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ती जा रही है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है, स्ट्रांग स्टॉक की बात है। अभी क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लें तो क्वार्टर रिजल्ट जो आया था क्वार्टर थ्री का, उसमें काफी अच्छा मूव अप देखा गया था। एंड नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ एंड सेल्स सॉरी रेवेन्यू में भी अप देखा गया है, यहाँ पे इंटरेस्ट में भी अप देखा गया है एंड कंपैरेटिवली जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप तो पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस 2164 थे, अभी 2076 हैं, तो ये काफी अच्छा मूव है एक, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हुए हैं, उसी की वजह से यहाँ पे नेट रिजल्ट भी नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। अभी चलते हैं हम चार्ट पे, देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ है। देखिए जो पुराने हैं उन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि सब कुछ क्या है। वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है रेंज का एंड आरएसआई का एक ऑसिलेटर लगा है। आरएसआई इस टाइम बहुत ही अच्छे ग्राउंड पे 61.73 है एंड मार्केट में देखिए पिछले कल काफी अच्छा वॉल्यूम आया था एंड आज कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम आया है। आज आया है लगभग 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम एंड कल जो आया था वो 7.5 करोड़ के आसपास का आया था। एंड कल मैंने वीडियो में बताया था कि हम अगर अच्छा वॉल्यूम हमें मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे अभी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी। प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 20% का एंड अभी न्यूज ऑफिशियली कोई है नहीं इसको लेके, ठीक है। तो अगेन बैक टू चार्ट, तो देखिए कल यहाँ पे रेजिस्टेंस देखी गई थी एंड मुझे ये था कि एंट्री की मैंने बात करी थी कि शॉर्ट टर्म की एंट्री की हो सकता है, बनाई भी जा सकती है, बट मुझे लगता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए एनी टाइम इज गुड टाइम अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज है कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसकी, तो यहाँ पे इसने रेड कैंडल भी दे दिया आज मार्केट में, बहुत छोटा सा डाउन मूव दिया है बट दिया है आज इसने डाउन मूव एंड उसको ध्यान में रख के देखिए वॉल्यूम भी कम आया है। अगर कल अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, मतलब मंडे को अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। नहीं तो यहाँ पे जब हमें ये कैंडल मिली थी एंड ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा बनाया आया था, यहाँ पे एंट्री का देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ एंट्री जब बनाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आप शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है, कुछ लोग 5 दिन का शॉर्ट टर्म लेते हैं, कुछ लोग 2 हफ्ते का लेते हैं, कुछ लोग 15 दिन का लेते हैं, 20 दिन का लेते हैं, तो ऐसे भी शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म जो होता है, मुझे ये होता है कि इमीडिएट अगर कंफर्मेशन मिल जाती है आपको ब्रेकआउट की एंड कोई फेक ब्रेकआउट नहीं होता है, तो मुझे होता है कि उस ट्रेडिंग वीक मतलब 5 दिन के अंदर अंदर का शॉर्ट टर्म मैं करती हूँ। वैसे 15-20 दिन का भी अगर होता है तो दैट इज ऑल्सो गुड, पर मैं यहाँ जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो जब से स्टॉक करेक्ट होकर ऊपर उठता है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस काफी सारी मिलती है उसको, तो मैं उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली रीड करती हूँ, कोशिश करती हूँ एनालाइज करने की कि क्या हो सकता है, क्योंकि नहीं तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि हाँ 10-15 दिन के लिए यहाँ पे पैसा फंसने की बात कर रही हूँ। तो अपने अपने वो एपेटाइट है कि कैसे कैसे कोई क्या करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की बात करूं तो अगर मैं होती तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री अभी नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड देखा जाए, अगर देखिए वॉल्यूम कम हुआ है इसलिए बात करूं, अगर एकदम से वॉल्यूम स्पाइक अप कर जाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो हो सकता है, बट अगर वॉल्यूम कम आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में थोड़ा सा वक्त ले सकता है ये, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है न्यूज कोई है नहीं मार्केट में अभी इसको जो प्राइस अप एंड मूवमेंट कुछ हेल्प कर सके, एंड अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो 85 के टारगेट हम देख सकते हैं स्मूथली, जो कि मुझे लगता है,
ठीक है। और जो क्यों लगता है वो मैंने एनालाइज करके पुरानी वीडियोस में भी दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, आप डीप में एनालिसिस चाहते हैं, तो आप पुरानी वीडियोस भी एक बार देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड कर दूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, एंड रेस्ट कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं मंडे को क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए हैप्पी वीकेंड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।